तो दोस्तों क्लासिक बाइक की बात करें तो हम सब जब जानते ही है कि रॉयल एनफील्ड इस सेगमेंट पे लीडर बहुत पहले से ही रह चुका है। बट एनफील्ड को टक्कर देने के लिए अभी बहुत सारे कंपनी जैसे जावा, बेनेली, होंडा अपने नए प्रोडक्ट मार्केट पे लॉन्च कर रहा है। हाँ, सेल्स तो उतना कम नहीं हुआ है रॉयल एनफील्ड का, बट मार्केट पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। अब दोस्तों कोई भी कंपनी रातों रात तो बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही इस सेगमेंट में रिसेंटली एक फ्रेश लुक के साथ लॉन्च की गई है जावा 42 की वर्जन 2.1, जो कि वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट है जावा की लाइनअप से। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ऑफर कर रहा है इस बाइक के साथ 2021 में। रॉयल एनफील्ड को छोड़ के आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं इस दाम पे, जो कि आपको जस्टिफाइड है कि नहीं, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताने वाला हूँ एज ऑफ माई ओपिनियन। वेलकम दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक आपके साथ। वीडियो पसंद आते दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ रिव्यूज। तो दोस्तों जावा 42 वर्जन 2.1 की बात करें तो आपको तीन कलर्स की मिल जाती है 2021 में, जो कि इस साल लॉन्च की गई है कुछ ही दिन पहले, ओनियन रेड, सीरियस व्हाइट एंड ऑलस्टर ब्लैक। अब इसके साथ जो स्टैंडर्ड 42 है उसमें ज्यादा मैकेनिकल चेंज आप नहीं दिख पाओगे इस मॉडल के साथ। वीडियो में दोस्तों बोलने वाला हूँ आपको क्या नया कुछ मिलेगा बाइक के साथ पुराने मॉडल के मुकाबले। प्राइस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक शोरूम प्राइस 1,84,000, जो कि पिछले साल का स्टैंडर्ड 42 है उससे आपको 7,000 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा फॉर द 2.1। अब ऑन रोड प्राइस की बात करें दोस्तों, 2,33,000 आपको कोलकाता में पड़ जाती है, तो ये सब कुछ इंश्योरेंस एंड टैक्स वगैरह मिला के। दोस्तों आप भी जावा की बाइक लेना चाहते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगा, आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन। तो दोस्तों डिज़ाइन में ऑलमोस्ट 90% सिमिलर रखा गया है जो पुराने 42 के मुकाबले। अब दोस्तों बाइक के साथ वही आपको एक क्लासिक लुक मिल जाती है, बट हाँ वहीं पे आपको एक्सेसरीज भी ऑफर कर रही है जावा ने टू मेक इट मोर मॉडर्न इन 2021। दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट चेंज इन 2.1 इज रिमूवल ऑफ क्रोम फिनिश। अब हेडलाइट के जो सराउंडिंग है, जो एग्जॉस्ट पाइप है एंड सम अदर कॉम्पोनेंट्स हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम क्रोम टू ब्लैक फिनिश। अब दोस्तों जावा की एक और यूनिक चीज़ है इसका ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप। सिंगल सिलेंडर बाइक होने के बावजूद दोस्तों कंपनी डुअल एग्जॉस्ट के साथ मार्केट पे लेके आया था, एंड साउंड इज क्वाइट थ्रोटी, एक बेसी साउंड आपको मिल जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू द हेडलाइट, तो दोस्तों सामने आपको एक राउंड शेप में हैलोजन हेडलाइट दिया है जो कंपनी को नहीं देना चाहिए था। एटलीस्ट एक ब्लैक पोर्शन में आपको हेडलाइट के चारों तरफ एक गार्ड आपको मिल जाता है। इंडिकेटर भी आपको दोस्तों बल्ब टाइप भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों पीछे वाला जो लाइट है वो आपको LED में मिल जाता है, चारों ही इंडिकेटर आपको बल्ब टाइप मिल जाता है यहाँ पे। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 293 cc की लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC की सेटअप में BS6 कंप्लायंट फुल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल जाती है यहाँ पे, जिसमें से आपको 27.33 हॉर्स पावर की आपको पावर मिल जाती है एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। अब दोस्तों इसके साथ आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। अब दोस्तों लिक्विड कूलिंग होने की वजह से आपका जो पावर बैंड है, कंपेयर करेंगे तो इस रेंज की बाकी बाइक के मुकाबले पावर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लिक्विड कूलिंग होने की वजह से आपका जो इंजन रहता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है इन द हाई स्पीड एज वेल इन द सिटी कंडीशन। अब दोस्तों इंजन में आपको ऑल ब्लैक एक इंजन मिल जाती है, और यहाँ पे आपको सामने 1929 की जो जावा की जो ब्रांडिंग होता है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि पुराने जो जावा का जो हिस्ट्री रहा है, जो इमेज रहा है, वो यहाँ पे सिग्निफाई करना चाहता है जावा ने। अब दोस्तों इसके साथ जो बाइक का जो की स्लॉट है वो आपको इंजन के राइट साइड में आपको मिल जाता है, एंड इंजन के ऊपर आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड इट्स ऑल ब्लैक इंजन, तो कोई भी क्रोम का सेटअप आपको नहीं दिख पाओगे। अब दोस्तों 300 cc इंजन से आपको माइलेज के बारे में बात करें तो आपको 32 से 35, 36 तक रेंज में आपको माइलेज मिलना चाहिए, क्योंकि 300 cc में इतना ही आपको माइलेज स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। आप अगर रफ राइडिंग करते हो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हाई स्पीडिंग करते हो तो वो माइलेज ड्रॉप होकर 25-28 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ब्रेक की बात करें तो आपको सामने 280mm वाला की सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एंड वहीं पे आपको 240mm वाला सिंगल डिस्क ब्रेक आपको इन द रियर आपको मिल जाता है। एज स्टैंडर्ड दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल सिलेंडर ABS मिल जाती है। सामने दोस्तों आपको 2-पिस्टन कैलिपर वाला एक ब्रेकिंग सेटअप मिल जाता है, वहीं पे पीछे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला वाइब्रेशन ब्रेकिंग आपको मिल जाता है। अब दोस्तों कमिंग टू द टायर्स, तो सामने आपको अलॉय व्हील वाला एक टायर मिल जाती है, अब जिसका साइज है आपको 90x90 सेक्शन की 18 इंच आपको टायर मिल जाता है सामने, एंड पीछे दोस्तों यू गेट 120x80 सेक्शन की 17 इंच टायर आपको मिल जाती है। तो पीछे का सेक्शन आपको थोड़ा छोटा होता है फॉर द स्टेबिलिटी पर्पज़।
अब दोस्तों जो यहाँ पे अलॉय यूज किया गया है बहुत ही एक स्टाइलिश अलॉय मुझे लगा है। एंड दोस्तों अलॉय में आप जैसे देख सकते हो कि क्लासिक लेजेंड्स करके एक स्टिकर भी दिया हुआ है एंड साथ में आपको 42 का स्टिकर आपको मिल जाता है। दोस्तों अलॉय के चारों तरफ आपको एक व्हाइट का स्टिकर भी मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर के ऊपर बहुत ही उभर के आ रहा है। अब दोस्तों सस्पेंशन की तरफ आए तो आपको सामने एक टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक दिया गया है। अब दोस्तों कंपनी यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कितने डायमीटर का फोक है बट आई थिंक इट्स 43 mm की फोक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड इन द रियर यू गेट ट्विन शॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन व्हिच गिव्स यू मोर कंफर्ट व्हाइल राइडिंग द बाइक्स। अब दोस्तों हैंडल बार की तरफ आए तो आपको एक स्ट्रेट फ्लैट हैंडल बार मिल जाता है फॉर द कंफर्टेबल पोजिशन। हैंडल बार के लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको जो ग्रिप होता है वहाँ पे आपको जावा की एक ब्रांडिंग दिया गया है। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में आपको पास स्विच, इंडिकेटर स्विच, हाई एंड लोबिंग एंड हॉर्न मिल जाता है। वहीं पे आपको राइट साइड पे टॉगल करने के लिए टॉगल स्विच, इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट की स्विच आपको मिल जाती है। दोस्तों इन द मिडिल आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब डिस्प्ले पे दोस्तों आए तो यहाँ पे आपको कोई भी डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिल जाता, पुराने की तरह पे आपको एनालॉग डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों डिस्प्ले में आपको फीचर्स की बात करें तो आपको स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर आपको एनालॉग में मिल जाती है। कोई भी आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, एबीएस लाइट, फ्यूल गॉज, लो ऑयल इंडिकेटर एज लो बैटरी इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंगल आपको एक जगह के अंदर ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो कोई भी आपको डुअल जो कंसोल रहता है वो आपको यहाँ पे ऑफर नहीं की गई है। तो एक क्लासिक लुक यहाँ पे भी बरकरार रखने की कोशिश किया है जवान ने। अब दोस्तों नेक्स्ट कमिंग टू द सीट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है स्टैंडर्ड जो 42 अभी मार्केट पे है उसके मुकाबले, क्योंकि दोस्तों 42 की वर्जन 2.1 में जो सीट है वो पुराने 42 के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड थोड़ा सा ज़्यादा कुशन बेटर कर दिया गया है। जो पिलियन ग्रैब रेल होता है वो अगर पीछे रहता तो आई थिंक दैट इज़ मोर यूजफुल। तो दोस्तों बाइक लेके अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे भी जाते हो तो कंफर्ट के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड दैट आई कैन अश्योर यू। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है इन द लास्ट पोर्शन बट नॉट द लीस्ट जो फ्यूल टैंक होता है। अब दोस्तों फ्यूल टैंक में आपको 42 की ब्रांडिंग एंड क्लासिक लीजेंड्स की ब्रांडिंग आपको एक मिल जाती है। साथ में ये जो रेसिंग स्ट्राइप्स दिया है वो मैट जो रेड कलर है उसके ऊपर बहुत ही एक शानदार एक क्लासिक विंटेज लुक भी लेके आता है। दोस्तों आपको कलर कैसा लगा, आपको जो स्टिकर यूज़ किया गया वो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बाइक आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब दोस्तों यहाँ पे टैंक की लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको जावा की जो एम्ब्रोस्ड एक जो ब्रांडिंग होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों मैट कलर में रेड कलर बहुत ही एक अच्छा शानदार एक लग रहा है। 40 लीटर्स के ओवरऑल आपको फुल टैंक मिल जाती है एंड लगभग आप पकड़ के चल सकते हो कि 32 से 36 की माइलेज आपको मिल सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलमोस्ट बोल दिया कि ऑलमोस्ट 300 सीसी में आपको इतना ही माइलेज मिलेगा। आप हाँ थोड़ा आप स्लो राइडिंग करोगे तो ये माइलेज आपको 36, 38 के अबव भी जा सकता है, बट फॉर द नॉर्मल यूज़ यू कैन एक्सपेक्ट 32 टू 35 फॉर द डेली यूज़। और दोस्तों सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप 765 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। और दोस्तों कार्बोरेट की बात करें तो 171 kg की आपको कार्बोरेट मिल जाती है, तो उतना भी भारी नहीं है बाइक, आपको मैन्यूवर करने में उतना दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो जावा इज द ओनली ब्रांड हु इज ब्रिंगिंग द डुअल एग्जॉस्ट विद द सिंगल सिलेंडर इंजन। अब ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि बहुत पहले से ही आ रहा है। दोस्तों डुअल एग्जॉस्ट इज क्वाइट लुकिंग डोप इन माई ओपिनियन एंड बाइक का जो लुक्स होता है, जो एनहेंसमेंट होता है, बाइक का जो फील होता है वो ये डुअल एग्जॉस्ट की वजह से और भी आगे लेके जाता है। अब दोस्तों इसका कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मिल जाती है, बजाज की कंपेयर करें तो बजाज एवेंज 220 क्रूज मिल जाती है, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपको मिल जाती है, होंडा की तरफ से आपको सीवी 350 हाइनेस भी मिल जाती है एंड साथ में जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड मीटियोर 350 भी इसके साथ आपको बहुत ही अच्छा एक टक्कर दे रहा है। अब दोस्तों कमिंग टू माय ओपिनियन, दोस्तों जो मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होता है यहाँ पे जो कि है इंजन एंड प्राइस ऑल्सो सेकेंड इन माई ओपिनियन इज द ब्रांड जावा, बिकॉज रास्ते पे आपको जो एक्सक्लूसिवनेस आएगा इस मॉडल से वो आपको रॉयल एनफील्ड की दूसरे बाइक से नहीं आएगा। अब ये मुझे लगता है आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, तो ये सब कुछ चेंज उसके बाद दोस्तों आते हैं इंजन पे। इंजन पे बहुत ही एक प्लस पॉइंट हो जाती है कंपेयर करोगे तो रॉयल एनफील्ड की बाइक से, तो ये सारा चेंज मुझे लगता है कि हाईलाइटिंग पॉइंट हो जो यूएसपी होता है 42% 2.1 के लिए। तो 300 cc के अंदर आपको कोई क्लासिक लुक में एक बाइक चाहिए जो एक अच्छे ब्रांड से भी मिले तो ज़रूर आप जावा 42 की वर्जन 2.1 ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना
और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई बाइक लेके, तब तक के लिए गुड बाय, राइड वेल, राइड सेफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।